आनंदपुर की धरती 13 अप्रैल 1699 का महत्वपूर्ण दिन। गुरुजी ने इस दिन भारी मेले का आयोजन किया। जिसमें लगभग 80,000 श्रद्धालु जुड़े। कीर्तन समाप्ति पर गुरुजी ने एक अद्भुत कार्य किया। हाथ में नंगी तलवार और चेहरे पर जोश, आवाज में ललकार कर कहा, हमें एक शीश चाहिए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। इससे पहले ऐसा किसी ने किया नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं। श्रद्धालुओं में हलचल हुई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, इधर उधर मुंह छुपाने लगे, मगर ये क्या। इस तरह एक एक करके 5 श्रद्धालु गुरुजी के सम्मुख आ खड़े हुए। भाई दयाराम, भाई धर्मदास, भाई साहिब चंद, भाई हिम्मत राय, भाई मोकम चंद। गुरुजी ने उन्हें अमृत छकाकर उनका कायाकल्प कर दिया। उन्हें नया जीवन देकर सिख से सिंह सजा दिया। उन्हें सदैव अपने साथ 5 ककार रखने का आदेश दिया और 4 रैतों का पालन करने का उपदेश दिया। खालसे ने उपदेश दिता कि खालसा रवी शक्ति का पुजारी है, किसी व्यक्ति का पुजारी नहीं, यह किसी बंदे का पुजारी नहीं। यह गोड़ा मड़िया मठा नहीं मनता, यह देवी देवत्या नहीं विश्वास रखता, यह सिर्फ अकाल पुरख ना। जागत जोत जपा निसबसर, एक बिना मन नेक न आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत, गोड़ मड़ी मठ भूल न माना, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बनाना नेक पछाना, पूर्ण जोत जगर घटना, तब खालसाए निखालस जाना। पूर्ण खालसा बन के बंदगी कर कर दे, सिमन कर दे कर दे, पूर्ण खालसा बन के भी अपने आप निखाल समझे। ए गल कहे मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, ईगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत वे स्वामी नहीं। मक्के विच कोई हिंदू भरा नहीं जा सकता। जगन्नाथपुरी का मंदिर जिथे दुनिया के किसी धर्म कोई मुसलमान भरा नहीं जा सकता, पर गुरु नानक साहब का घर जो हरिमंदर साहब के 4 दरवाजे पूर्व पछम उत्तर दक्षण दुनिया के सारे लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि बिना जात पात तो, बिना किसी रंग के भिन्न भेद तो, दुनिया के किसी भी धर्म का बंदा हरिमंदर साहब जाकर नमस्कार कर सकता। इथे संगत एक संगत बह के कोई कीर्तन सुन सकता, पंगत एक पंगत बैठ के कुंवर छक सकता। सिख धर्म के इथो तक कि खालसे की गुरु ने कहा कि खालसा अकाल पुरख की फौज, परगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये वाहरू का पुत्र बनाया नहीं, वाहरू की अपनी जात नहीं, ते जिस वाहरू की अपनी जात नहीं उसके बंदियां दी भी कोई जात नहीं। इथे वाहरू के पुत्र ने जिहड़े वाहरू के बंदियां च वाहरू नूं वेखण की कोशिश करदे ने। जात मैं जोत, जोत मैं जाता, अकल कला भरपूरिया, तू सच्चा सब से सवालो, जिन कीती सो पार पिया। ये साडा मिशन है, जिस मिशन नु गुरु गोविंद सिंह ने चलाया।
कहा जाता है कि संत पुरुष अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। उनके जीवन का ध्येय मानव और मानवता का कल्याण करना होता है। मान सिंह जी को उन्होंने भी नजदीक से देखा है, यही बता सकते हैं कि वे सिख धर्म के अनुयायियों को सच्ची धार्मिकता, उपासना, सर्वधर्म संभाव भावना से प्रेरित करवाते रहे हैं। संत जी ने न मात्र यहोवा की संगत को कृतार्थ किया, बल्कि उनकी विस्तृत सोच उन्हें दूरस्थ स्थानों तक भी ले गई। उन्होंने भिन्न भिन्न भाषा भाषी तथा भिन्न भिन्न आस्थाओं से संबंध लोगों के जीवन में क्रांति ला दी। और उन सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के खंडे बाटे के अमृत का महत्व समझा दिया, उनकी नींव मजबूत कर दी। संत रामान सिंह ने 30/5/99 को पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेशों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का, जो आज के युग में मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुमूल्य योगदान दे रही है, इसी उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने एक ही दिन में 1,00,000 प्राणियों को अमृत छकाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य का मतलब आपस में सद्भावना और मेल मिलाप की भावना को पैदा करना है। 31/5/99 की प्रातः एक नया दिन, एक ऐतिहासिक शुरुआत, सूरज की पहली किरण के साथ ही संत बाबा मान सिंह पूर्व घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर। शुभ कर मन के कब मान करो, देह शिवा पर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हो न करो, शुभ कर मन ते कब हो न करो, न करो और क्या जब जाए लरो, मिथ तय कर अपनी जीत करो, मिथ तय कर अपनी जीत। बटाला, गुरदासपुर, पुगा, तरन तारण, फरीदकोट, मानसा, पाटना, नवाशहर, माछीवाड़ा, लालड़ू, खरड़ तथा पंजाब के बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों पर अमृत पान करवाने के लिए बाबा जी ने एक ही दिन में 1,37,000 प्राणियों को गुरु वाला बनाकर एक माल कायम कर दी है। सिखूं अपने ही मन को अहलाल छो गुण तो उचरूं, जब आपकी औध निधान बने अधीरण में तब झूझ मरो, अधीरण में तब झूझ मरो, अधीरण में तब झूझ मरो, निहाल देह शिवा पर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हो न करो, शुभ कर मन ते कब हो न करो, न करो और सा जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, देह शिवा पर मोहे